लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और इस ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इन सब के बीच एक जरूरी खबर यह भी है कि ठंड में अक्सर लोग नियमित तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्नान करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन इन सभी के बीच कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती है जो अप्रिय होती है। उसी को लेकर आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे सबसे पहले तस्वीर में दिखा रहे हैं ये डॉक्टर लक्ष्मण जी हैं जो कि जनरल फिजिशियन है, कटिहार के प्रसिद्ध फिजिशियन है। इनसे हम बात करेंगे कि नहाने का जो सही तरीका है वो क्या तरीका है, लोग किस तरह से अगर सुबह सुबह अगर स्नान करते हैं या इस भीषण ठंड में स्नान करते हैं तो किस तरह से नहाने से जो है अप्रिय घटना नहीं हो सकती है, लोगों को हानि नहीं पहुंचेगा। हम तो पहले बात करते हैं सर, ठंड में सर जो है लोग अक्सर कुछ लोग ऐसे तो जो नियमित तौर पर स्नान करते हैं और इन सब के बीच कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना भी सामने आ जाती है कि लोग नहाने के दौरान कुछ घटना घट गई, तो सर इस ठंड में कड़ाके की ठंड में लोग किस तरह से सही प्रक्रिया में नहाए जो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो? तो ये ऐसी बात है कि गर्म एक्चुअली उनको ना ठंडा पानी डायरेक्ट सर पे नहीं डालना चाहिए। ठंडा पानी सर पे डालने से डायरेक्टली क्या होता है कि एकाएक जो है हम लोगों का सेंट्रल बॉडी टेम्परेचर है वो घट जाता है। इसके कारण से टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस जो होता है, वेस्कुलर पेरिफेरल रेसिस्टेंस, वो बढ़ जाता है। इसके कारण से क्या होता है, बीपी एकाएक बढ़ जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो सकता है लोगों को। बीपी बढ़ने से एकाएक ब्रेन की आर्टरी फट जाएगी जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो स्ट्रोक होने का चांस हो सकता है और वो जो है फेटल होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ठंडा पानी डायरेक्टली सर पर न डालें, गर्म पानी हल्का सुसुम जितना बर्दाश्त करने लायक हो वो यूज करें और पैर से शुरू करें, डायरेक्टली सर पर नहीं डालना चाहिए। इससे मतलब पानी के कारण से अप्रिय घटना, मतलब ठंडा पानी कारण से अप्रिय घटना नहीं होगी। दूसरी बात है, ठंडा पानी से नहाने से सर्दी खांसी जल्दी हो जाएगा, दम फूलने की जिसको शिकायत है, सांस फूलने की या फिर सर्दी खांसी बार बार होता है, एलर्जी होता है, तो उनको इस कोल्ड सीजन में ज़्यादा परहेज रखने की जरूरत है ठंडा पानी से। सर यानी कि कुल मिलाकर इस ठंड में लोगों को जो नहाने का सही प्रक्रिया, पैर से स्टार्ट करना चाहिए, जी पहले पैर में पानी डालना चाहिए और गर्म पानी, ठंडा नहीं, यानी कि ठंडा को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। और खासकर जिसको एलर्जी है उसको तो, और चूंकि एलर्जी है उनको तो पैर पे भी अगर यदि ठंडा पानी डालेंगे तो उनको खांसी उसी समय स्टार्ट हो जाएगी और सांस फूलने का बीमारी बढ़ सकता है, एग्रावेट कर सकता है। सर इन सब के बीच अगर जैसे कि लोग अगर इस ठंड में ठंड पानी से नहा लेते हैं और लोग सांस फूलने लगता है या अचानक कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है, ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे खुद को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं? पहले तो आपको ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, अगर यदि कुछ दिक्कत होती है तो घर का मतलब उपचार जो है, गर्म पानी से भाप ले, सांस फूल रहा है या सीरियस हो गए, कुछ एकाएक गिर गए, चक्कर खा गया, तो तुरंत रेस्ट करके तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, बीपी नपाना चाहिए और चेकअप करवा लेना चाहिए। कुछ दिक्कत हो तो उस तरह का फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, एडवाइस देंगे। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार। तो ये हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण कुमार थे जो कटिहार के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन है। इन्होंने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में अगर आप नियमित तौर पर स्नान करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ठंड पानी है उसको अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुसुम पानी जो होता है, हल्का बॉयल जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करना है, और नहाने की जो सही प्रक्रिया है वह जो है आप पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, पैर में पहले डालेंगे और उसके बाद जो है कुल मिलाकर जो नहाने की प्रक्रिया वो करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इन्होंने और एक ज़रूरी बात बताया कि इस ठंड में अगर आप ठंड पानी से नहा रहे हैं और कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो पहले तो आप जो घर में अपने जो उपचार हैं उसको करें और उसके बाद जो स्थानीय डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनके पास तुरंत जाएं और अपनी जो परेशानी है उसको बताएं। कुल मिलाकर इस भीषण ठंड में अगर आप नहाने का प्रतिदिन आपको आदत है तो आपको जो है ठंड पानी को अवॉइड करना है और बॉयल पानी से ही, सुसुम पानी से ही जो है खुद को स्नान करने की आदत डालनी है। मनीष कुमार, लोकल 18, कटिहार।